डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, इंटरव्यू में जाते हो बट रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इसी वीडियो में मैं सारे आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा जो आपको डेवऑप्स के लिए सिनेरियो बेस्ड पूछे जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करंट प्रोजेक्ट। अब इस क्वेश्चन से आपका जो इंटरव्यूअर है वो जानना चाहता है कि आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर किस किस चीजों में काम कर चुके हो। आपको ये नहीं बोलना है कि डेली में कॉफी पीता हूं फिर अपने टीम के साथ मीटिंग करता हूं, नहीं नहीं नहीं, वो जानना चाहता है कि आपने अभी तक कौन से प्रोजेक्ट्स में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की है। तो इसके लिए आपको जनरली जो पूछा जाता है वो आपको बताना है रिलेटेड टू मॉनिटरिंग, फिर आपका CI/CD, फिर आपका क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, फिर आएगा आपका जो भी स्केलेबिलिटी के लिए कुबरनेटीज अगर आप यूज़ करते होगे, और ऑन कॉल रहते टाइम क्या क्या आपको करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, प्लस कोलैबोरेशन। तो ये ऐसे 6-7 चीज़ें होती है जिसके बारे में ये आपका इंटरव्यूअर जानना चाहता है। तो उस चीज़ को आप कैसे बताओगे इन एन इंटरव्यू, चलो मैं आपको एक बढ़िया आंसर बता देता हूँ। सो इन माई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव टू जनरली वर्क टूवर्ड्स मॉनिटरिंग ऑफ माई एप्लीकेशंस। माई डे स्टार्ट्स विद लुकिंग इनटू डैशबोर्ड्स ऑफ प्रोमीथियस एंड ग्राफाना एंड देन गेटिंग ऑन टू अ कॉल और अ ट्रबल शूटिंग इफ देयर इज सम काइंड ऑफ इशू गोइंग ऑन। My work primarily focuses on CI/CD pipelines where I ensure all of the pipelines and builds are currently working, are fine and all the builds are giving correct results. My work is revolving around AWS clouds, maintaining the costs, maintaining the services, everything related to cloud is my day-to-day task. I also make sure that the Kubernetes clusters are updated, they are not running out of memories and everything is fine with the scaling part of my applications. If required, I also get on call with developers and business stakeholders in case there is some kind of production issue. I like to collaborate with developers and the analyst teams with using GitHub and other tools like Slack, email, so that everything moves in a good process in a very fast way. तो basically इससे क्या पता चलता है कि आप daily day to day task में जो भी उस कंपनी ने पूछा गया है इस basically आपके job description में वो सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो। तो इस तरह से इस चीज़ का आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन 2 आता है, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजीज यू यूज इन योर करंट प्रोजेक्ट। अब इसमें करंट प्रोजेक्ट देखो, इनको क्या पता आप कौन से करंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, बट जो भी आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है और जो भी उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट ओवरलैप होना चाहिए। तो उस केस में आप बता सकते हो कि आपके जो जो करंट टूल्स है वो कुबरनेटीज है, जेंकिंस है, गिटलैब है और आपका एंसिबल है और फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेराफॉर्म है। और ये सारे टूल्स की वर्किंग तो पूरा एग्जैक्टली एंड टू एंड नहीं मांगेंगे, बट आप डायरेक्टली बोल सकते हो माई डे रिवॉल्व्स अराउंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। माई डे स्टार्ट्स विथ understanding how my cluster is performing with Kubernetes. My CI/CD pipelines are primarily made on GitLab and also Jenkins for some particular clients. We use Ansible for configuration management and we use Terraform for infrastructure as code. We often generally put our code on GitHub. We also use monitoring tools like Prometheus, Grafana, so that every application that is deployed to the cloud is monitored and it is ready for observability. So इस तरह से आप बता सकते हो कि आपके कौन से टेक्नोलॉजीज, कौन से टूल्स आपके करंट प्रोजेक्ट में काम होते हैं। So next question है, how do you handle failure in your deployment? So basically failures are inevitable, ये हमेशा होने ही होने हैं। तो उस केस पे आपका एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इंटरव्यू वो जानना चाहता है। तो हमेशा बुकिश आंसर्स नहीं देने होते हैं कि वी जनरली डू यू नो रोल बैक एंड वो सब चीज़ें नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप रियल लाइफ में कर क्या क्या चुके हो। तो जनरली इसका जो आंसर होना चाहिए आपको एक ओवरऑल देना चाहिए कि बेसिकली इससे पहले आप ऑन कॉल रह चुके हो, उससे पहले आप रूट कॉज एनालिसिस कर चुके हो और आप क्या क्या कर चुके हो वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे एक बार डिप्लॉयमेंट फेलियर हुआ था तो हम लोगों ने बेसिकली रोल बैक किया था और रोल बैक करने के बाद हम लोगों ने एक ग्रुप डिस्कशन किया था जहाँ पे हम लोग ऑन कॉल रह गए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है एंड इमीडिएट रेजोल्यूशन विथ डेव्स। जितने भी डेवलपर टीम्स थे उन लोग के साथ इमीडिएट रेजोल्यूशन किया था, ये सारी चीजें की थी। और ये होने के बाद हम लोगों ने एक फेलियर असेसमेंट भी किया था। फेलियर असेसमेंट से क्या हो जाता है कि जब भी आपको कोई फेलियर आया है या पहले कभी हुआ है या आगे कभी होने वाला है, उसका एक रोड मैप बढ़िया सा बना के रखा था कि यार इस चीज़ों के वजह से ये हुआ, इतने इतने टाइम पे ये हुआ और आगे के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो इसके बेसिस पे आपका एक आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, हाउ डू यू हैंडल फेलियर इन डिप्लॉयमेंट। तो उसको आप थोड़ा इस तरह बता सकते हो, इन माई लास्ट 5 years एज डेवॉप्स इंजीनियर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स हैपनिंग। आई हैव tried almost every single strategy on handling failures. I've been on call, I've done root cause analysis of the problem, I have done immediate rollbacks, and often we get on a call and we sit for a group discussion with developer teams and the SREs so that how we can resolve this problem and how we can basically find why this problem occurred and how we can solve it for the next time. We often do failure assessment in which we create a report then what caused the failure, in past did we see this kind of failure and in future how we can prevent such kind of failures. तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में ना, जैसे अभी देख रहे हो मैं ऐसे पॉइंट्स बना के चल रहा हूँ कि मॉनिटरिंग के लिए ये पॉइंट्स, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट, दूसरे क्वेश्चन के लिए टूल्स के पॉइंट्स, फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट्स। अब आप ध्यान दोगे जब भी मैं आंसर दे रहा था ना, मैंने एक इसमें से कोई तो टूल मिस कर दिया, लेट्स से मैंने डॉकर मिस कर दिया या मैंने AWS मिस कर दिया। तो जनरली जब हम लोग इमीडिएट आंसर देने जाते हैं ना कुछ टूल और ये सब चीज़ें मिस कर देते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा पहले आप अपने दिमाग में ऐसे पॉइंट्स बना लो कि आप क्या आंसर देने वाले हो और फिर उसका सेंटेंस फॉर्मेशन करो। चलो ये चीज़ मैं अभी फोर्थ आंसर के लिए आपको फिर से करके बताता हूँ। तो फोर्थ आंसर है, ये वाला तो हो गया। चलो, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन कोर ऑपरेशंस ऑफ डेवॉप्स। तो अगर डेवॉप्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कोर ऑपरेशंस में, तो एक डेवॉप्स इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरा देख लो। तो जब भी कुछ डिप्लॉयमेंट होती है तो CI/CD के थ्रू वो सारे डिप्लॉयमेंट्स होती है कंटिन्यूस तरीके से। फिर कन्फिगरेशन मैनेजमेंट होती है जिससे कि कोई भी अपडेट्स और वो सारी चीज़ें हो तो पूरा मैनेज हो जाए। फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड बनता है उसके बारे में होगा, प्लस इस चीज़ की मॉनिटरिंग और आपकी सिक्योरिटी, ये पूरी ध्यान से आपको रखना पड़ता है। ओके, तो इन 5 पॉइंट से मुझको एक सेंटेंस बनाना है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, और हाँ अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लेट्स से समझ में नहीं आया तो आप उससे डायरेक्टली वापस पूछ सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कोर ऑपरेशंस, सो डू यू वांट टू सी व्हाट अ डेवॉप्स इंजीनियर डज और व्हाट आई जनरली डू। ओके, तो उस ऐसे आप पूछ लिया करो। तो जैसे मेरे कोर ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए ये सारे हैं। सो मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आई प्राइमरली फोकस ऑन द CI/CD पार्ट वेयर द कंटिन्यूस बिल्ड्स एंड इंटीग्रेशंस आर टेकन केयर ऑफ। वी जनरली यूज GitLab सर्वर्स फॉर दैट and CD is done using Argo CD because we have Kubernetes workloads. And now our EKS clusters are created on our AWS instances. And for creation of that, we use all DevOps core competencies like infrastructure as code using Terraform. Everything is as automated as it can be. Our code is generally stored on GitHub. All of the build is done using our CI/CD tools like Jenkins, GitLab, and whatever we have built, it is continuously monitored using Prometheus and Grafana. We keep our security at the top with best IAM practices. We use vaults to store our passwords. And as a DevOps engineer, I make sure all of the core aspects like security, automation, infrastructure, scaling, and continuous integration, continuous delivery is into the play. That's why I use the proper tools and proper methodologies for this task. So basically, आपने उसको जो भी चाहिए था core things about DevOps वो आपने उसको बता दिया है। तो वो core operations पूछना चाह रहे थे वो आप बता दियो। अब next question पे चलते हैं। What are the technical and business benefits of DevOps work culture? देखो बहुत सारी कंपनीज होती है जहाँ पे डेवॉप्स वर्क कल्चर नहीं है, बट आप एक डेवॉप्स इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हो तो आपने उसकी वजह से क्या क्या नई चीज़ें देखी जिससे कि कंपनी आपको हायर करे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आंसर में आपको बहुत ज़्यादा उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप तीन मेन चीज़ें बता दो। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स वापस लिख देता हूँ। आपका टाइम टू मार्केट ये रिड्यूस हो जाता है डेवॉप्स से, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलेबिलिटी, मॉनिटरिंग, ये सब इनहैंस पोस्ट प्रोडक्शन चीज़ें हो जाती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। प्लस कोलैबोरेशन हो जाता है विथ अदर टीममेट्स। तो अगर आप बस इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, आपका काम बन जाएगा। सो being a DevOps practitioner for the last 5 years, I have seen that using tools like Jenkins, GitLab, Kubernetes, Ansible has improved the time to market. Previously, what it used to take 2 to 3 days, now we can do within minutes because we have continuous builds and continuous deployments going on, which is focused on your quality. We have enhanced post-production value. As our applications are deployed on Kubernetes clusters, we are continuously monitoring it using Prometheus and Grafana. The visual dashboards allows our managers and analysts to analyze those data points and to give a report to our developers as well, so that they can take immediate action. As a part of DevOps, development and operations, we get an opportunity for collaboration as well. In the past, I have written Python scripts, automation scripts for my developers to enhance their productivity and to make sure the builds and the releases that they are doing has the optimal value and lesser time to market. So, इस तरीके से आपके DevOps के कल्चर की वजह से आपने ये सारी चीज़ें की। अब क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा सकता है कि व्हाट इज द बिजनेस वैल्यू दैट यू गेट। So as per the business value, the faster we build, the lesser time it takes to going to the market, the better it is for business to make mistakes quickly and to resolve them as quickly as possible. So as a business, I've seen the companies grow over the years. The products reach more and more customers because of DevOps practices. So आप इस तरीके के आंसर दे सकते हो। तो ये जो मेरा था, ये 5th वाले क्वेश्चन के थॉट पॉइंट्स थे। ऐसे थॉट पॉइंट्स बना लिया करो, ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपको अपने डेवॉप्स के सिनेरियो बेस्ड आंसर्स में। चलो अभी नेक्स्ट थॉट पॉइंट बनाते हैं। नेम 3 इंपॉर्टेंट डेवॉप्स KPIs। सो अगर डेवॉप्स के KPIs के बारे में बात करो तो KPIs ये जो जनरली टर्म है, ये थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही पूछा जाता है। KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि अगर आप डेवॉप्स इंजीनियर हो, आपने डेवॉप्स का कल्चर ऐड किया है तो उससे आपको फायदा क्या हो रहा है। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट ये तीनों में ही है, बट अगर आप चाहो तो 3 इंपॉर्टेंट KPIs दे सकते हो। डिप्लॉयमेंट, फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम टू मार्केट, रेजोल्यूशन टाइम, मतलब आप कितनी जल्दी चीजों को डिप्लॉय कर रहे हो, कितने कम से कम टाइम में कर रहे हो, और कितना कम है आपका टाइम अगर कुछ ब्रेक हो जाता है। सो एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, आई मेक श्योर माई डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी इज हाई, सो दैट एवरी टाइम देर इज अ डेवलपर हु इज कमिटिंग अ चेंज टू GitHub और GitLab, gets their build done, and be at least to a dev environment, it has the things going on very smoothly. We have reduced the time to market where previously it used to take 2 to 3 days for a change to reflect to a production. Now it takes minutes with CI/CD pipelines and basically your Kubernetes workloads. The resolution time in case of any failure is reduced because we have the continuous build, continuous monitoring, and that is how we can directly get to the root cause of a problem, so that as a DevOps engineer, I can get very less time to solve a particular problem and get to a solution very fast. तो ये 3 KPIs आप दे सकते हो। क्या deployment frequency has increased, time to market has reduced, and resolution time has also reduced, जिससे कि आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आपके वजह से बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है इनके कंपनी के लिए। तो ये बेसिकली आपका 6th क्वेश्चन का पॉइंट था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये भी हो गया है। What duties are you performing with Git, Docker, Kubernetes, Ansible, Jenkins, GitLab and Terraform? अब इसके लिए क्या हो सकता है, आप ये बता सकते हो कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें ये सारी चीज़ें कैसे फिट होती है, क्योंकि एज अ डेवॉप्स इंजीनियर बहुत सारे लोग हर टूल पे काम नहीं करते, उनके कुछ ऐसे ठहराए हुए टूल्स रहते हैं। जैसे SVN पे कोई काम करता है, कोई ओपन शिफ्ट पे काम कर रहा है, तो अगर कोई कंपनी आपसे डायरेक्टली टूल्स के बारे में पूछ रही है, इसका मतलब है कि वो उसी टूल्स में आपका एक्सपीरियंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। उस केस में आप क्या करोगे कि आपकी ड्यूटीज़ का क्या है। So as a DevOps engineer, I have worked with various projects across different tools and technologies. My day starts with Git. So I check what was the latest push or commit that a developer has done, and is the build of that particular commit is running fine or not. If there is a pipeline failure or not because of my Git commit or Git pipeline. So Docker is something that I make sure that all of my builds are built through Docker so that it can run on any instance and it has the less amount of memory consumed by any application. Our workloads are deployed on Kubernetes so that it can scale well, it has proper resources and utilization. Plus, the architecture of Kubernetes makes it so amazing that we have auto-healing and auto-scaling features for our applications. Use of Ansible is something which we did recently in our project where we used Ansible for configuration management, and because of Ansible we could basically manage the configuration of 50+ instances at once using SSH, and we could update our Django or any kind of servers we have with the latest update because of Ansible. Jenkins and GitLab plays a very crucial role as our duties as a DevOps engineer. For every project that we get to work with our developers, I am making sure that the CI/CD pipeline is built for that project, be it dev, staging or production. All the three pipelines should be perfectly working, perfectly fine when it comes to DevOps engineering for that particular project. When it comes to Terraform, I make sure that the Terraform infrastructure that I am writing is scalable, is maintainable, so that no one has to do click ops on AWS console or Azure console. We can use the same Terraform with different resources for different cloud. That's why using Terraform as a DevOps engineer is helped a lot in our previous project as a DevOps engineer. सो इस तरीके से आप हर एक टूल के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हो कि आपको ये पता है, ये टूल पता है और आपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ भी किया हुआ है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, हाउ डू यू डिफाइन ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ना ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी अलग रहती है, बट आपको क्या करना है, आपने जो रिसेंट प्रोजेक्ट में या फिर आपकी जो कंपनी में यूज़ हो रही है ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी वो आपको बतानी है। तो ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी का भी एक मैप बना लो कि क्या क्या ब्रांचेस होती है। सबसे पहले आपकी मास्टर या फिर मेन ब्रांच होती है जो जनरली प्रोटेक्टेड ब्रांच रहती है। फिर आपकी रहती है स्टेजिंग ब्रांच जहाँ पे आपका कोड आता है और टेस्टर्स और बाकी के लोग बीटा टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। फिर आपकी आती है डेवलप या फिर आपकी डेव ब्रांच जो भी जहाँ पे आपके डेवलपर्स कोड पुश करते हैं। फिर आती है आपकी फीचर ब्रांच जो जीरा टिकट से, जीरा आईडी से जो भी है वो बनती है। फिर आती है आपकी हॉटफिक्स ब्रांच। हॉटफिक्स में जब भी आपका कोई बग आ जाता है, कोई इशू आ जाता है तो हॉटफिक्स ब्रांच बनती है और डायरेक्टली आपकी मास्टर मेन या फिर स्टेजिंग में ये मर्ज हो जाती है। तो इस तरह से आप कौन सी ब्रांचिंग यूज़ करते हो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो बता सकते हो। सो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आई जनरली फॉलो 3 मेन ब्रांचेस विच इज़ अ मास्टर और मेन ब्रांच विच इज़ प्रोटेक्टेड ब्रांच। वी ऑल्सो हैव स्टेजिंग ब्रांच विच इज़ जनरली गिवन टू आर टेस्टर्स और बीटा टेस्टर्स, सम यूजर्स, सिलेक्टिव यूजर्स, एंड वी ऑल्सो हैव अ डेव और डेवलप ब्रांच इन विच द डेवलपर्स आर एक्टिवली मर्जिंग देयर कोड. द डेवलपर्स हैव टू टेक अ pull from the dev branch where they can work on their individual branch which is also called as feature branch, on which they give their ticket number, and so that they can specifically identify their particular feature and the branch they are working on. In case there is any issue, so from the master or main branch we pull out a new branch called hotfix, and that hotfix branch is basically then merged again back to the master and staging, so that whatever was the hot fix or the immediate bug fix is now in master. And then just to get rebased with the master, we pull that code to the dev branch. So this way, this branching strategy is what we use in my current project as a DevOps engineer. तो ये आप ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत मस्त एक्सप्लेन कर सकते हो। ये भी हो गया। एक्सप्लेन द पाइपलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड इट्स पर्पस। देखो ये ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि आपकी कौन से प्रोजेक्ट की पाइपलाइन और उसका पर्पस क्या है। तो जनरली CI/CD पाइपलाइंस के अलग अलग पर्पसेस होते हैं। कुछ का काम होता है क्लीनअप का, कुछ का काम होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, सिर्फ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का, कुछ का काम डिप्लॉयमेंट भी होता है, कुछ का काम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आंसर देना है। तो आप इसका आंसर बता सकते हो, इसका अगेन थॉट बॉक्स बना देते हैं। तो थॉट बॉक्स इसके में बहुत ईजी है कि जब भी आप कोई पाइपलाइन बनाते हो उसमें क्या क्या स्टेजेस होती है उसके हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो कोड क्लोन की होती है, फिर आपका बिल्ड होता है, ओके, फिर आपकी टेस्टिंग होती है, फिर आपका क्वालिटी अश्योरेंस या कोड स्कैन, वो सारे स्टेजेस होती है, फिर आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, और फिर आपका पोस्ट बिल्ड एक्शंस, ईमेल अलर्टिंग, मॉनिटरिंग, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि आपके CI/CD पाइपलाइन का पर्पस क्या है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ बिल्ड एंड रिलीज सो दैट द टाइम टू मार्केट इज लेस and the developer's code can easily be corrected or tested whenever there is a new change introduced. So in that case, I generally have a pipeline which has code cloning stage where we have our GitHub, GitLab, whichever process that we follow. We have the code clone stage and then we have the build stage. We use Docker for all the builds. We use DevSecOps principles where we have quality gates, scanning, integration tests, and all the tests which are happening on the code side. Then we deploy those workloads using Argo CD. So there is a trigger that calls and updates the manifest files for Kubernetes, where the Argo CD picks up the latest manifest files and deploys it to a Kubernetes cluster. And once that is done, if there is a successful build, we let that build go as it is. And if the build fails, we get an email trigger on failure. All of the builds are monitored, all the records and artifacts are collected on AWS S3. So इसका purpose क्या है कि fast आपके build process हो और इसके stages क्या है वो आपने explain कर दिया है। तो बहुत आसानी से आप इसका भी आंसर दे सकते हो। What kind of databases have you used in your project? अब यहाँ पे आपकी versatility के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से टाइप के डेटाबेस आपने यूज किए हुए हैं। तो उस केस में आप बता सकते हो कि NoSQL, SQL और आपके इन मेमोरी मतलब कैशे वाले को और आपके AWS पे या फिर Azure पे ब्लॉब स्टोरेज है, AWS पे S3 वाले, तो वो सारी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में पूछा गया है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, in my past 5 to 6 years of experience as a DevOps engineer, there were various projects which involved NoSQL, SQL, in-memory, or even cloud-related databases. So when it comes to NoSQL, I've used MongoDB, DocumentDB, DynamoDB in my previous projects. For SQL, I generally prefer Postgres or MySQL for my relational databases. All the databases are created as an instance on AWS RDS. For in-memory or cache, we use Redis, and for storing the files or artifacts or any documents, we use AWS S3 or Azure Blob Storage. So इस तरह से आप ये भी बता सकते हो कि आपने अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस के साथ काम किया है। अगेन यहाँ पे वर्ड काइंड है तो आपको इसके बारे में NoSQL, SQL, कैशे और ये सब चीज़ें में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ डेली बेसिस व्हाट टाइप ऑफ ऑटोमेशन डू यू वर्क ऑन, कि यार ऑटोमेशन के लिए क्या क्या करते हो। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऑटोमेशन के लिए आपने क्या क्या पहले किया हुआ है। सबसे पहले आपने CI/CD किया हुआ है ऑटोमेशन के लिए, आपने पाइथन या फिर बैश स्क्रिप्टिंग की हुई ऑटोमेशन के लिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन के लिए टेराफॉर्म यूज़ किया हुआ है, आपने अपने डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन के लिए आर्गो CD यूज़ किया हुआ है, और क्या क्या किया हुआ है अपने ऑटोमेशन के लिए, आपने अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के ऑटोमेशन के लिए एंसिबल प्लेबुक्स यूज़ की हुई है, और आपने क्या क्या किया है। वो सारी चीज़ें आपको पहले तो पॉइंट बाय पॉइंट अपने दिमाग में रखनी है, फिर इसका आंसर बहुत मस्त सजा धजा के देना हुआ है कि ऑन अ डेली बेसिस आई जनरली इंटरेक्ट विथ माई CI/CD पाइपलाइंस वेयर द डेवलपर कमिट्स देयर कोड टू GitHub और GitLab. I make sure there is a pipeline triggered automatically which builds the code, tests, QAs it, quality gates are passed, and then only deploys it. To deploy the code on a Kubernetes cluster, we generally use Argo CD, where we have Argo CD server scanning the the GitHub or the GitLab repository, and on a trigger, the latest manifests are deployed on the Kubernetes cluster. I also use Python and Bash regularly for any small updates or any kind of automations. For example, backup of a server, copying files from different servers, taking database dumps. So I generally use Python Bash for that. We use Terraform for infrastructure automation. So we never rely on ClickOps or any kind of manual creation of instances or resources on AWS or Azure. I generally prefer automating everything using Terraform, and to improve the server configuration, to maintain the server configuration, we automate the configuration management using Ansible playbooks. तो इस तरह से आप डेली बेसिस पे आप क्या क्या ऑटोमेशन करते हो वो भी बता सकते हो. हाउ वुड यू क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन फॉर अ कस्टमर. ये यहाँ पे एक सिनेरियो आ गया कि आपका कस्टमर है, उसके लिए पाइपलाइन बनानी है. इस केस में आपको पहले तो समझना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर. कि अब सिंपल अगर आपसे पूछ ले कि भैया नया पाइपलाइन बनाए, उस पाइपलाइन में करना क्या है वो भी पता होना चाहिए ना. तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी अ क्रॉस क्वेश्चन टू योर इंटरव्यूअर सेइंग कि व्हाट आर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. क्योंकि एक डेवऑप्स इंजीनियर डायरेक्टली नहीं पाइपलाइन बनाने बैठ जाता. उनकी मीटिंग्स होती है, कोलैबोरेशन होती है, टीम डिस्कशंस होती है, डेवलपर के साथ मीटिंग होती है, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है, एंड वहाँ से जाके उनकी रिक्वायरमेंट समझ में आती है. सो लेट्स अज्यूम आपका जो अभी इंटरव्यूअर ही बोलेगा, लेट्स अज्यूम योर कस्टमर नीड्स बैकअप्स, नीड्स आर्टिफैक्ट्स, नीड्स कंटिन्यूस बिल्ड्स एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स विथ सिक्योरिटी. तो हाउ वुड यू क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन. सो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप क्या क्या चीज़ें करोगे वो एक अगेन थॉट बॉक्स में लिख लो. कि आप पहले तो समझोगे कि उसका जो नया कस्टमर है उसको गिटलैब पे रखोगे, गिटहब एक्शंस पे रखोगे, किस पे रखोगे. लेट्स से गिटलैब पे रखते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद उसका जो क्वालिटी स्कैन्स होंगे वो सोनार पे होंगे. और क्या क्या करोगे, कोड कवरेज देखोगे आप. ओके, कोड कवरेज आपकी होनी चाहिए. फिर आपकी जो डिप्लॉयमेंट्स बिल्ड होनी चाहिए वो डॉकर के थ्रू बिल्ड होने चाहिए. प्लस ये जो बिल्ड होंगे वो एग्जीक्यूटर्स पे होने चाहिए सो दैट आपके गिटलैब पे रिलायबल ना रहो, जिससे कि सब कुछ स्मूथ चले. फिर आपका होना चाहिए क्यूबरनेटिस, जिससे कि स्केलेबिलिटी मेंटेन हो, और उसकी भी डिप्लॉयमेंट्स होनी चाहिए आर्गो सीडी पे. ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो प्रोमीथियस एंड ग्राफाना के साथ बढ़िया मॉनिटर्ड होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप हेल्म के थ्रू डिप्लॉय करोगे. इस टाइप का एक स्टैक बना के आप अपने कस्टमर को पिच कर सकते हो. अब ये आपके दिमाग में आ गया है, इस चीज़ को आप बढ़िया सा आंसर में दे सकते. फॉर अ न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग विथ आवर टीम, आई वुड मेक श्योर टू आस्क विच काइंड ऑफ source code repository or source code platform would they use. I would highly recommend using GitLab as it gives your self-hosted runners or self-hosted executors, and with all of the CI/CD capabilities within the platform itself. I will also make sure the code quality is maintained, so I will use SonarQube and all kind of integration tests from my developers. The build would be done on Docker, and the images would be stored on a private repository on ECR, which is Elastic Container Registry on AWS. The deployments would be then moved to EKS or Kubernetes workloads. To continuously deploy it, we will be using Argo CD. To monitor the entire application, I will be using Prometheus and Grafana stack, which would be managed and packaged by Helm charts. So this way I can create a new pipeline for a new customer which has all of their DevOps tools and the practices to ensure their success. इस तरह से आप सामने वाले को खुश भी कर सकते हो कि यार टूल जितने मुझको आता है उसके बेसिस में आपको बेस्ट ही मिलने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी एनवायरमेंट्स आर यू मेंटेनिंग. तो जनरली बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट्स भी नहीं होते, बट आपके लिए इसके लिए बहुत ही तगड़ा आंसर मेरे पास है. एक चीज़ होती है कि आप जनरली 3 एनवायरमेंट मेंटेन करते हो. मास्टर विच इज़ योर प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन भी बोलते हैं. या फिर जो सेकेंड एनवायरमेंट होता है वो आपका स्टेजिंग होता है, जो कि प्री प्रॉड भी बोला जाता है. या फिर आपका डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जहाँ पे आपके डेवलपर्स सारे काम करते हैं. इसके अलावा भी एक एनवायरमेंट होता है जिसको बोलते हैं एफर्मल. भैया एफर्मल क्या होता है. ये एक नई चीज़ आई हुई है डेवऑप्स में, जिसके वजह से आप अपनी ब्रांच स्पेसिफिक भी एनवायरमेंट बना सकते हो, जिससे कि आपके डेवलपर्स को डेव में मर्ज किए बिना टेस्ट कर सके उनका एप्लीकेशन, उनका फीचर कैसे चल रहा है. सो उसके लिए आप बढ़िया बता सकते हो. As a DevOps engineer working for more than 6 years, I am currently maintaining 3 major environments, which is production, pre-production, and development. And these environments come from the branches itself. The production environment is directly linked with the main branch or the master branch. The staging environment is linked with the staging branch or pre-production. And the dev branch is linked with the development branch, where the developers can directly push their code. We also have a new concept of ephemeral branches, which we have recently introduced in our teams. So I personally take care of that, where we have Kubernetes cluster and basically a namespace created just for that particular feature branch. So anyone who wants to create their own kind of environment can use ephemeral containers or ephemeral branches so that they can do the testing very easily. इस तरीके से आप बता सकते हो कि आप बाकी हर कोई 3 ही ब्रांच बताएंगे, 3 ही इन्वायरमेंट बताएंगे, आप कुछ नया बता सकते हो एफर्मल के बारे में. तो ये भी बहुत सही आंसर है. What kind of deployments do you follow in your project? इससे वो ये नहीं पूछना चाहता है कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ये नहीं पूछना चाहता है. वो पूछना चाहता है कि आपको ब्लू ग्रीन कैनरी ये दोनों पता होना चाहिए, रोलिंग अपडेट्स ये भी पता होना चाहिए, फुल्ली रिप्लेसमेंट पॉलिसीज ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट आप कौन सा यूज़ करते हो. सो इसके लिए क्या कर लो, सबसे पहले तो दिमाग में डाल लो, अगेन थॉट बॉक्स बना लो कि कौन से डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज होती है. तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज होती है, फिर आपकी कैनरी होती है, फिर आपका रोलिंग अपडेट्स होता है, और फिर आपका रिप्लेसमेंट होता है. अब इसमें से ये चारों आपने यूज़ किए हुए हैं, बट आप कौन से पे ज़्यादा फोकस करते हो एंड वाई, ये आपका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, सो इन माई प्रोजेक्ट्स आई जनरली यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड एंड द नीड ऑफ द आवर. In the past, I've used blue-green deployments, I've used canary deployments, I've used replacement techniques and also rolling updates. So I generally follow blue-green deployment, where we have a green or a environment which is idle, sitting idle with the new deployment, and I let the blue or the existing basically environment kept running and be used by the existing user. And then once the new or the green environment is well tested, I just redirect the traffic to the green one, and then we can decommission the blue one. So this way, without having a downtime, I use generally blue-green deployments. I have used canary, rolling and replacement techniques in the past, but generally because of the downtimes or not well testedness, these kind of deployments have not performed well in our use case. So that's why I personally prefer blue green deployment. आप ऐसे आंसर्स दे सकते हो, ठीक है. अगर आपको ब्लू ग्रीन कैनरी रोलिंग इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मस्त कमेंट करके बता दो मुझको. और इस पे अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाऊं कि ये आंसर्स कैसे इंग्लिश में बोलने, तो वो भी बता दो चैट में. मैं आपको एक लिंक भी भेज दूंगा जिससे कि ये सारे आंसर्स मैं खुद टाइप करके दे दूंगा. ओके, ये भी हो गया. व्हाट आर द प्लगइन्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट में आपने ऐसे कौन से प्लगइन्स यूज़ किए हैं जिसके वजह से आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चले. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि प्लगइन्स तो जेंकिंस में भी होते हैं, गिटलैब में भी होते हैं, क्यूबरनेटिस में भी होते हैं, हर जगह होता है. इवन टेराफॉर्म में भी होता है कि आपके मॉड्यूल्स हो गए, वो भी एक काइंड ऑफ प्लगइन्स, या फिर आपके प्रोवाइडर्स, वो भी एक प्लगइन्स होते हैं. तो आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना दैट आई हैव यूज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लगइन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. बी इट जेंकिंस, आई हैव यूज प्लगइन्स लाइक डॉकर, ओवास्प, एंड प्लगइन्स लाइक ईमेल सेंडर एंड पाइपलाइन व्यू and JUnit, so that my unit tests are covered for my Jenkins. For my GitLab, I have used plugins for self-hosted runners, for code scanners like SonarQube. So I've used plugins like that. And when it comes to Kubernetes, I've used plugins for Istio and Helm, so that we can have packaging, we can have cross-service discovery. And also for Terraform, I've used different provider plugins, for example, AWS for AWS resources, Azure for Azure resources. So this way, in my project, there are a vast variety of plugins and tools that I've used in the past. And all the plugins have made sure that the productivity of my DevOps team as well as the developer team is increased. So आप इसके ना वो भी बताओ कि plugins use किए हैं और इससे फायदा क्या क्या हुआ है. अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी बिल्ड्स डू यू परफॉर्म डेली। तो इसका कोई सही या फिर गलत आंसर नहीं है, बट इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर आप 10 बिल्ड बोल रहे हो तो वो 10 क्या है, अगर आप 30 बोल रहे हो या फिर 20 बोल रहे हो तो वो 20 क्यों है। तो अगर आप बिल्ड्स परफॉर्म कर रहे हो तो अलग अलग टाइप के बिल्ड परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले इसका भी एक थॉट बॉक्स बना लो कि अगर आप एक डेव ब्रांच पे बिल्ड कर रहे हो तो टोटल कितने बिल्ड्स होंगे। तो देखो डेव ब्रांच पे लेट्स से 200-300 लोगों की कंपनी है, 300 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो डेव ब्रांच पे हर दिन 10 से 12 लोग तो कमिट कर रहे होंगे, तो उसके 10 बिल्ड्स मान लो। लेट्स से आप प्रोडक्शन पे आप चाहते हो डेली ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होते रहे, कि डिप्लॉयमेंट तो होती रहे, इनकेस सब सही चल रहा है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो, नहीं सही चल रहा है तो कोई बात नहीं। तो प्रोडक्शन के आपके हो गए लेट्स से 2 डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है, ये पर वीक पूछा या पर डे पूछा हुआ है, ओके डेली पूछा हुआ है, ठीक है, लेट्स से 2 डिप्लॉयमेंट हो गए। फिर आपके स्टेजिंग में हो गए जहाँ पे आपके कुछ स्टेक होल्डर्स बैठे हुए, तो 3 से 4 डिप्लॉयमेंट हो गए हैं। और जनरली आपके ना हर एक ब्रांच, जो भी ब्रांच होती है उस ब्रांच के लिए आपके CI बिल्ड्स होते हैं जो डिप्लॉय नहीं होते, सिर्फ इंटीग्रेशन होती है। और लेट्स से 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं हर दिन, तो 20 तो बिल्ड्स आपकी होती रहेंगी। तो डेव ब्रांच के लिए इतनी बिल्ड्स, प्रोडक्शन के लिए इतनी, स्टेजिंग के लिए इतनी, और CI बिल्ड्स तो बहुत सारी है। सो आप ऐसा इस रफ एस्टिमेट बता सकते हो कि आई जनरली हैव 20 to 30 builds performed per day and all are robust. So if we do the breakdown of the builds for the dev branch where we have actively contributing developers, we have around 8 to 10 builds based on the developer productivity that day. All builds are robust based on all of the quality checks for a DevOps core competencies which I have mentioned earlier. For the CI builds, where for every action a developer does on their own feature branch, we have code scanning stages, code scanning builds, where we do the integration testing and basically the linting or type hinting, whatever makes the code production ready. All these kind of builds are done on the CI build side for every developer. When it comes to the production or staging, we generally limit it to 2 to 3 builds per day, where we want faster time to market and we want less, disruptions or less kind of errors. So that's why we do it 2 to 3 times per day. And this is how we achieve 20 to 30 builds per day as a DevOps engineer. इस तरीके से आपने बहुत सारे questions का answer दे दिया है, but एक चीज़ आपने अगर notice की होगी तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे thought boxes बनाए हुए हैं कि ये सारे boxes के वजह से मैं अपने आंसर्स को बढ़िया से स्पेसिफाई कर पा रहा हूँ। जो लोग जनरली इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहे हैं वो ये बॉक्सेस नहीं बना पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है। तो अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे आई थिंक आधे एक घंटे में आपको 15 सिनेरियो बेस्ड रियल लाइफ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे दिए गए, क्वेश्चन भी दे दिए गए। तो आई वॉन्ट आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, मस्त स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने भाषा में बढ़िया से आंसर करो और लिंक्डइन पे पोस्ट करो, जिससे कि बाकी कम्युनिटी की भी हेल्प हो और आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझको कमेंट में बताओ, सो दैट मैं उस पर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स और उसको कैसे आंसर करना है उस पर वीडियो बना के दे दूँ आपको। इस चीज़ का अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझको चैट में डेवॉप्स लिख दो, एंड अगर बढ़िया लाइक्स होंगे और कमेंट्स होंगे मैं इसका डॉक्यूमेंट बना के आपको ज़रूर दूंगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।